मंडी में पत्रकार वार्ता करते हुए मंडी क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अजय राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने 17 वर्ष बाद प्रदेश में नई खेल नीति लाने का फैसला लिया है। ये खेल नीति आने वाले दिसंबर माह में सामने आ जाएगी। उन्होंने कहा कि वन एवं खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ये मानना है कि खेल संघों में सरकार किसी भी तरह से दखल नहीं देगी। प्रदेश के 2001 की स्पोर्ट्स पॉलिसी में व्यापक संशोधन प्रदेश सरकार करने जा रही है, जिसमें खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त की जाएंगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को 18 नवंबर को एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें बीबीएमबी सुंदरनगर की खाली भूमि में मैदान बनाने हेतु जमीन अधिग्रहण करने हेतु पत्र सौंपा गया था। ये पत्र देते समय सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्बाल ने भी इसमें सहमति जताई थी। उन्होंने बताया कि सुंदरनगर व आसपास के क्षेत्रों में बड़े मैदान की सुविधा नहीं है। पॉलिटेक्निक सुंदरनगर व दूसरे शिक्षा संस्थानों के मैदान अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण क्षेत्र के काफी ज्यादा विद्यार्थी जो क्रिकेट व अन्य खेलों से संबंध रखते हैं, उन्हें कोई स्थान नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए ये होना चाहिए कि जहां जहां हजारों विद्यार्थी अनेक संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उन्हें नशे से दूर रखने में सहायक होगा, वहां पर देश की नामी हस्तियों को राष्ट्रीय पटल पर लाने वाले लोगों को मैदान में सब खेलने के लिए सहायक वहां पर खेल मैदानों को निर्मित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बारे में कई बार बीबीएमबी से बातचीत हो चुकी है तथा उनके सचिव के माध्यम से सभी औपचारिकताएं भी जल्द पूरी कर ली जाएंगी। ये निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश में खेल नीति में संशोधन किया जाएगा और उसे अच्छे तरीके से हिमाचल प्रदेश में रखा जाएगा। 2001 के बाद कोई भी संशोधन खेल के इसमें नहीं हुआ है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी बधाई के पात्र हैं कि 17 वर्षों के बाद हिमाचल प्रदेश में खेल में व्यापक संशोधन होगा और इस पॉलिसी आने के बाद, ये पॉलिसी दिसंबर में आएगी और इस पॉलिसी को बनाने में हमारे खेल मंत्री गोविंद ठाकुर जी का, इसमें उन्होंने काफी मेहनत की है। और एक सबसे बड़ी बात है कि पिछली जो सरकारें थी उनका खेल संघों से आते ही जब जैसे सरकार बनती थी खेल संघों के साथ टकराव शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार खेल संघों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। खेल संघ स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे और विधायक जी ने साफ कहा है, और यहाँ एक मल्टीपल ग्राउंड बने ताकि यहाँ के खिलाड़ी अच्छी सुविधा हो सभी गेम्स के। अलमेरी महेंद्र जी राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर हैं और हमारे अनिल जी, इन्होंने भी क्रिकेट खेला है, अच्छे स्तर पर क्रिकेट खेला है। इनमें सभी खिलाड़ियों को साथ लेके सुंदरनगर में एक अच्छा मैदान हो, ये ऐसा मुझे विश्वास है।